एकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य के 8 पुराने मंदिरों के नवीनीकरण को हरी झंडी दे दी है, तो हर मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम भी रखते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण 13 विपक्षी नेताओं की तरफ से हस्ताक्षर किए गए पत्र को माना जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल नहीं थे। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील की INS विक्रांत घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उधर सरकार में शामिल शिवसेना के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति आई है। अब देखना यह है कि जिन तारीख के पहले वो बीच का रास्ता निकालने के लिए कौन सी तरकीब निकाल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार मई और जून महीने तक गिर जाएगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य के 8 पुराने मंदिरों के नवीनीकरण को ही हरी झंडी दे दी है, जिनमें से अधिकांश सदियों पुराने मंदिर हैं। ये मंदिर हैं रत्नागिरी में धूतपापेश्वर मंदिर, कोल्हापुर का कोपेश्वर मंदिर, पुणे में एकवीरा देवी मंदिर, नासिक का गोंडेश्वर मंदिर, औरंगाबाद में खंडोबा मंदिर, बीड का पुरुषोत्तम भगवान मंदिर, अमरावती में आनंदेश्वर मंदिर और गढ़चिरौली का मारकंडा महादेव मंदिर। धूतपापेश्वर मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जबकि कोपेश्वर मंदिर 800 वर्ष का है। एकवीरा देवी मंदिर भी इसमें शामिल है, जहां ठाकरे के पारिवारिक देवता भी है, वह नियमित रूप से वहां प्रार्थना करने जाते हैं। नासिक का गोंडेश्वर मंदिर पांडवों के समय में बनाया गया था। इसके अलावा मुसलमानों द्वारा समान रूप से पूजनीय खंडोबा मंदिर लगभग 9 शताब्दी पुराना है तथा पुरुषोत्तम भगवान मंदिर लगभग 15 शताब्दी पुराना है और राज्य में अपनी तरह का एकमात्र है। वहीं आनंदेश्वर मंदिर लगभग 8 शताब्दी पुराना है और मारकंडा महादेव मंदिर भी सदियों पुराना है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि इन 8 मंदिरों को नया रूप देने की प्रशासनिक स्वीकृति इसी सप्ताह दी जाएगी, ताकि कार्य बिना रुकावट के शुरू हो सके। अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप और संरचना को बरकरार रखा जाएगा। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हर मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण 13 विपक्षी नेताओं की तरफ से हस्ताक्षर किए पत्र को माना जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकरे शामिल नहीं थे। विपक्षी पार्टियों ने देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर ये पत्र केंद्र को लिखा था। पार्टी हलकों में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे दबाव के चलते शिवसेना ने ये फैसला लिया था। शिवसेना में इस बात को लेकर परेशानी दिख रही है कि भाजपा और मनसे संभावित रूप से ये धारणा तैयार कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने के बाद पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा को कमजोर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी विपक्षी दलों के साथ पत्र पर हस्ताक्षर करती तो भाजपा शिवसेना पर हिंदुत्व को कमजोर करने के आरोप लगा सकती थी। वहीं सेना के कई नेताओं का ये मानना भी है कि भाजपा और मनसे को हिंदुत्व का एकमात्र संरक्षक बनने देना सेना के वोट बेस को नुकसान पहुंचाता। हालांकि इससे पहले भी शिवसेना ने अपना आधार बचाने के लिए ऐसी ही बातें कही है। उद्धव ठाकरे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सत्ता से दूर होने के बाद जनाधार बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सत्ता और हिंदुत्व को मिलाकर समन्वय साधने की वे कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील की INS विक्रांत घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दोनों के खिलाफ एक रिटायर्ड फौजी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। 53 वर्षीय रिटायर्ड फौजी बबन भोसले की शिकायत पर ट्रॉम्बे पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस मामले में किरीट सोमैया से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। EOW दोबारा किरीट सोमैया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। शिकायतकर्ता बबन भोसले का आरोप है कि किरीट सोमैया ने INS विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने के लिए एक पैसे इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। सोमैया ने इस मकसद के लिए तकरीबन 57 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा किए थे। सोमैया ने तब कहा था कि INS विक्रांत को एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तो विक्रांत को स्क्रैप में जाने से बचाया गया और न ही ये म्यूजियम बन पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पैसों को राजभवन में जमा करवाने की बात कही गई थी, उन पैसों को BJP पार्टी फंड में जमा किया गया। सोमैया के वकील अशोक मुंदरंगी ने कुछ दिन पहले अदालत को बताया था कि राजभवन का कोई अकाउंट नहीं था, इसीलिए सोमैया ने जमा किए हुए पैसे BJP पार्टी फंड में डिपॉजिट करवा दिए गए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुछ दिन पहले BJP नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में किरीट सोमैया ने देशद्रोह किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने फिर कहा है कि पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस तैयार करेंगे। इधर नासिक पुलिस ने अजान से पहले और बाद 15 मिनट तक हनुमान चालीसा या भजन चलाने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। वहीं 3 मई से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए परमिट हासिल करना जरूरी कर दिया गया है। बता दें कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर महाआरती करेंगे। मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये महाआरती लाउडस्पीकर से होगी। इधर महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब साफ है कि सरकार और मनसे के बीच सीधा टकराव। सरकार में शामिल शिवसेना इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इस मामले में उनकी स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है। राज सफल तो उद्धव फेल और उद्धव सफल तो राज फेल। अब देखना यह है कि 3 तारीख के पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए कौन सी तरकीब निकाल रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार मई और जून महीने तक गिर जाएगी। राणे ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा दल भाजपा है, बाकी 3 दलों ने विधायकों को जुटाकर शिवसेना ने बहुमत तैयार किया है। राज्य में शिवसेना का अकेले दम पर बहुमत नहीं है। शिवसेना 2 सहयोगी दल राकांपा और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही है। उद्धव ठाकरे दूसरे के पेड़ की टहनी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री है। मई और जून आंधी आने के दिन होते हैं, इस आंधी में पेड़ गिर जाएगा। इसके पहले भी सरकार गिरने की भविष्यवाणी किए जाने के सवाल पर राणे ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसका मतलब है कि उसमें कुछ तथ्य होंगे। इसी बीच राणे ने दावा करते हुए कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने केवल अवैध तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है। राणे ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर विरोध नहीं है, राज ने अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है। राणे ने कहा कि राज्य सरकार को मुंबई के जुहू में स्थित मेरे घर का अवैध निर्माण कार्य नजर आता है। मेरे घर के अवैध निर्माण के लिए मुंबई मनपा बदली की राजनीति के तहत नोटिस भेजी जाती है, लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने के लिए सरकार के पास ताकत नहीं है। राणे ने कहा कि मेरे घर पर नोटिस भिजवाने वाले पहले अपना घर देखे, मैं भी शिकायत करके उनके घर पर नोटिस भिजवा सकता हूं, लेकिन मुझे किसी के निजी घर को लेकर राजनीति नहीं करनी है। राजधानी दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कई स्कूलों ने फिर से हाइब्रिड मोड में पढ़ाई शुरू कर दी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक की आवाज को धार्मिक परिसरों तक ही सीमित करने को कहा है। वहीं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे समय पर होगी जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने की स्थिति में है। उधर पिछले 3 दिनों के भीतर दूसरी बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 25 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है। उनके माँ बाप तनाव में है। पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों ने बुखार और तबीयत खराब होने की शिकायत की है। खतरे को देखते हुए नोएडा के कई स्कूलों ने फिर से हाइब्रिड मोड में पढ़ाई शुरू कर दी है। कुछ बच्चे स्कूल जाएंगे और कुछ बच्चे घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। एक स्कूल ने अभिभावकों को भेजे मैसेज में कहा है कि बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने का फैसला किया गया है। स्कूल अब ऑफलाइन भी चलेगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वे ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए घर से पढ़ाई का विकल्प चुनते हैं उनके हित में सभी प्रमुख विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए यह व्यवस्था इस स्कूल में 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बच्चों में संक्रमण को देख कई स्कूल इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। बता दें कि इसी महीने के पहले हफ्ते में नए एडमिशन फीस, स्कूल बस का किराया आदि प्रक्रियाएं पूरी की गई है। 2 साल के बाद स्कूल खुले थे तो नए उत्साह के साथ बच्चे स्कूल जाने लगे थे, लेकिन अब कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बुखार जुकाम की परेशानी के बीच कोरोना के डर ने अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने 4 मई तक पुलिस व प्रशासन के अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी है। साथ ही माइक की आवाज को धार्मिक परिसरों तक ही सीमित करने को कहा है। योगी ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ तय स्थान पर ही हो,
सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज़ उस परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दे। योगी ने कहा कि कोई शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। हालिया दिनों में विभिन्न धर्मों के कई पर्वों का आयोजन हुआ। यह सुखद है कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का प्राथमिक दायित्व है। हमें अपने इस दायित्व के प्रति सदैव सतर्क रहना होगा। SOCO और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की 4 मई तक छुट्टी निरस्त रहेगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन के दुश्मन दलाई लामा लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कहा है कि दलाई लामा के इस साल जुलाई से अगस्त के बीच लद्दाख जाने की संभावना है। दलाई लामा की यह यात्रा ऐसे समय में होगी जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने की स्थिति में है। बता दें कि चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है और अक्सर उनकी लद्दाख यात्रा पर आपत्ति जताता रहा है। इससे पहले सबसे बड़े तिब्बती नेता ने 2018 में अपना 83वां जन्मदिन भी लद्दाख में ही मनाया था। COVID-19 महामारी के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। दलाई लामा पिछले 2 साल से धर्मशाला में अपने घर पर ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद और लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष थुपस्तान चेवांग और ठिक्से मठ के ठिक्से रिनपोछे ने दलाई लामा से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें लद्दाख आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बता दें कि चीन दलाई लामा के लद्दाख दौरे का विरोध करता रहा है। दलाई लामा का जन्मदिन 6 जुलाई को होता है। पिछले साल 6 जुलाई को कुछ चीनी सैनिक और कुछ नागरिक लद्दाख के डेमचुक इलाके में सिंधु नदी की दूसरी ओर देखे गए थे। यह घटना ऐसे समय में हुई थी जब भारतीय ग्रामीण बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिवस मना रहे थे। इसके विरोध में चीनियों ने बैनर और अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर पर सोमवार को बड़ी बैठक हुई। पिछले 3 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब प्रशांत किशोर 10 जनपद पहुंचे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के अलावा दिग्गज नेता अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक मौजूद थे। इस बात की बैठक की अहम बात ये रही कि इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद भी राहुल विदेश दौरे पर चले गए, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही। इससे पहले सोनिया गांधी के आवास पर 16 अप्रैल को हुई बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। मीटिंग में प्रशांत किशोर के साथ पार्टी नेताओं की लंबी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनावी रणनीतिकार PK ने पार्टी को BJP से मुकाबला करने के लिए एक फॉर्मूला बताया है, जिस पर वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन हुआ। इससे पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर PK के मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। जानकारी के अनुसार भारतीय राजनीति में कांग्रेस की दोबारा पकड़ बनाने के लिए PK ने एक रोड मैप तैयार किया है और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पार्टी नेताओं को बताया कि कैसे चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता हासिल कर सकती है। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा महिलाओं को यह अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने याचिकाकर्ता रजिया के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया है। वर्ष 2008 में दाखिल इस पुनरीक्षण याचिका में प्रतापगढ़ के एक सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा था कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के आने के बाद याचिकाकर्ता और उसके पति का मामला इसी अधिनियम के अधीन होगा। सेशन कोर्ट ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत ही मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है। ऐसे मामलों में CRPC की धारा 125 लागू नहीं होती। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत अवधि तक
या उसके बाद भी गुजारा भत्ता के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भी भारत के खिलाफ जहरीले बयान देना जारी रखा है। तो चीन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के करीब 3 सेलफोन टावर लगा चुका है। माना जा रहा है कि चीन इस इलाके में भी सैन्य पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की कट्टर दक्षिणपंथी संगठन की योजना के विरोध में कई जगह हिंसक झड़पें हुई है, जिसमें करीब 40 लोग घायल हुए हैं। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्ध के 55वें दिन सोमवार को निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच जर्मन पुलिस उन लोगों की तलाश में है जो जेड का निशाना बनाकर रूस के यूक्रेन पर हमले का सार्वजनिक रूप से समर्थन कर रही है। देश भर में ऐसे 140 से ज्यादा मामलों की जांच की जा रही है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भी भारत के खिलाफ जहरीले बयान देना जारी रखा है। हिंदू और ईसाइयों पर हमले को रोक पाने में फेल साबित हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को भड़काने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ सरकार ने राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हाल ही में मुस्लिम समुदाय पर हुए हमलों की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि इन हमलों को कट्टर हिंदुओं ने अंजाम दिया है, इसलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दुनिया भारत को जिम्मेदार ठहराए। दिल्ली जहांगीरपुरी में हुए दंगे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था और आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। इसके अलावा भड़काऊ संगीत बजाया जा रहा था, हिंदुओं ने हथियार लहराए थे, जबकि रोजे में चल रहे मुस्लिम इफ्तार करने जा रहे थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अंतर्गत आने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह भारत में मुस्लिमों के खिलाफ राज्य की ओर से स्वीकृत उन्माद और घृणा की गंभीरता का खुलासा करता है। पाकिस्तान ने रामनवमी को लेकर हुई हिंसा को लेकर भी निशाना साधा, कहा कि यह भारत के हिंदू राष्ट्र की ओर तेजी से झुकाव की ओर दिखाता है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और गुजरात में मुस्लिमों के बिजनेस और घरों को बर्बाद कर दिया गया, जो यह दिखाता है कि भारतीय राज्य और समाज में हिंदुत्व की विचारधारा कितना अंदर तक घुस चुकी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में करीब 2 साल से तनातनी चल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि चीन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के करीब 3 सेलफोन टावर लगा चुका है। माना जा रहा है कि चीन इस इलाके में सैन्य पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस हरकत की जानकारी अपने जानवरों को चारागाह से वापस लेकर आ रहे चरवाहों ने दी है। लद्दाख स्वायत्त परिषद में चुशुक सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाले नौचोक स्तानजिन ने बताया कि इतने सुदूर इलाके में चीन का मोबाइल टावर लगाना भारत के सीमाई इलाकों के गाँव के कमजोर कम्युनिकेशन को दर्शाता है। चीन इतने सुदूर इलाके में 4G टावर लगा रहा है, अब उनके चरवाहे लगातार संपर्क में रहेंगे। दूसरी तरफ हमारे चरवाहे एक बार जब अपने पशुओं के साथ निकलते हैं तो उनसे संपर्क करना मुश्किल होता है। हालांकि सीमा पर 2 गांव ऐसे हैं जहां 2G सर्विस है, लेकिन वहां भी कमजोर सिग्नल वाली दिक्कत है। हॉटस्प्रिंग मार्सिमिक दर्रे से गुजरते हुए फोबरंग गांव से 22 किलोमीटर दूर पूर्वी लेह की तरफ 5 से 6 घंटे के ड्राइव के बाद पहुंचा जाता है। फोबरंग गांव से पश्चिमी इलाका और चांगथांग की घाटी एवं चुमार के पूर्व तक के इलाके में टेलीकॉम कनेक्शन कमजोर है, लेकिन चुशुल और डेमचौक में हाल में 4G सर्विस शुरू हुई है। स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की कट्टर दक्षिणपंथी संगठन की योजना के विरोध में कई जगह हिंसक झड़पें हुई है, जिसमें करीब 40 लोग घायल हुए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि स्वीडन में भड़के दंगे में 26 पुलिसकर्मी और 14 आम नागरिक घायल हुए हैं, जबकि उग्र भीड़ ने 20 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। स्वीडन के कई शहरों में हिंसा भड़की है। पुलिस का कहना है कि हिंसा की घटनाओं में 200 से अधिक लोग शामिल हैं और 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का मानना है कि ये हिंसा आपराधिक गैंग के नेटवर्क ने आयोजित की है। हिंसा में शामिल कुछ लोगों को पुलिस और स्वीडन का सुरक्षा बल पहले से जानता था। स्वीडन के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख एंडर्स थॉर्नबर्ग ने कहा कि उन्होंने अब तक नार्कोपिंग जैसे हिंसा नहीं देखी। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए हवा में गोलियां चलाई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश नेता रास्मुस पालुदान ने कुछ दिनों पहले स्वीडन के एक मुस्लिम बहुल इलाके में कथित रूप से कुरान की एक प्रति जलाई थी और कहा था कि वह अपनी रैली के दौरान कुरान की और प्रतियां जलाएंगे। रास्मस ने साल 2017 में हार्डलाइन यानी स्टार्मकर्स नाम से दक्षिणपंथी पार्टी का गठन किया था। वह पेशे से वकील और यूट्यूबर है। कुरान जलाने की घटना की अरब देशों ने निंदा की है। सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि पालुदान जानबूझकर कुरान जला रहे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्ध के 55वें दिन सोमवार को निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना के अभियान की जानकारी दी है। रूस के सैनिक पिछले कुछ समय से दोनबास इलाके पर हमले के लिए जमा हो रहे थे, जो यूक्रेन का औद्योगिक गढ़ है। दोनबास में पिछले 8 साल से रूस समर्थित अलगाववादी गुट यूक्रेन की सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जो यूक्रेन का है ऐसी कोई चीज़ नहीं देंगे और जो हमारी नहीं है ऐसी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। इस बीच लवीव में भी रूसी सेना ने हमले किए हैं। रूस की 5 मिसाइलों की चपेट में आने से कम 6 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। लवीव में रूस का हमला अपने आप में दुर्लभ माना जाता है, जो शरणार्थियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। रूस फिलहाल यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर अपना फोकस बनाए हुए है। इस बीच रूस के सरेंडर के चेतावनी के बाद भी यूक्रेन के करीब 3,000 सैनिक मारियोपोल के स्टील फैक्ट्री में डटे हुए है। इस फैक्ट्री में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी उम्र के आम लोग मौजूद है और बंकरों के अंदर शरण लिए हुए है। यूक्रेनी सेना के कमांडर ने कहा कि रूसी सेना और उनके समर्थक लुहांस पीपुल्स रिपब्लिक के सदस्य जानते हैं कि यहाँ आम नागरिक फंसे हुए हैं, इसलिए जानबूझकर वे हमले कर रहे हैं। मारियोपोल शहर का थिएटर, हॉस्पिटल, स्कूल और घर तबाह हो गए हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन की यात्रा पर जाने की कोई योजना नहीं है। जर्मनी में पिछले दिनों रूस के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ था। अब उस प्रदर्शन में शामिल लोगों की जर्मन पुलिस को तलाश है। जर्मन पुलिस का खास ध्यान उन लोगों पर है जो जेड का निशान बनाकर रूस के यूक्रेन पर हमले का सार्वजनिक रूप से समर्थन कर रहे हैं। देश भर में ऐसे 140 से ज़्यादा मामलों की जांच की जा रही है। जर्मनी के कई राज्यों में पुलिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन संबंधी घटनाओं की जाँच शुरू कर दी है। हाल ही में जेड निशान और रूसी झंडे जर्मनी में हुए प्रदर्शनी में दिखे हैं। जेड प्रतीक को रूसी हमले से जोड़कर देखा जाता है। जब रूसी सेना यूक्रेन में घुसी थी तो उनके वाहनों पर यह निशान देखे गए थे। जर्मनी के कई राज्यों ने इस निशान के इस्तेमाल को रूसी हमले की अवैध मदद की श्रेणी में रखा है। सैक्सनी अनहाल्ट प्रांत के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि रूसी हमले के इस प्रतीक को सार्वजनिक तौर पर दिखाना जांच का आधार बन सकता है। अगर इसे रूसी हमले के समर्थन में पेश किया जाता है तो जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में रूसी समर्थन के 37 मामले जांच के दायरे में है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ जगह संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है जिसके तार युद्ध से जुड़े हैं। जांच दल इन मामलों में जेड निशान के इस्तेमाल की जांच भी कर रहा है। रूसी झंडा लहराने वालों ने कहा है कि वे युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे बल्कि रूसी भाषा बोलने वालों के साथ जर्मनी में हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।